इस न्यूज के प्रायोजक हैं बालाजी एकेडमी पीएससी कोचिंग सेंटर पड़ाव चौक मुगेली। देश की सरहद पर तैनात सैनिकों के सम्मान के लिए दिल्ली का 24 वर्षीय आफताब फरीद रक्षाबंधन से साइकिल पर देश भ्रमण करने निकला है और 16 राज्यों का भ्रमण करते हुए 14,500 किलोमीटर का दौरा कर चुका है। अपने भ्रमण के 152वें दिन वह कोरबा जिले के कटघोरा तहसील पहुंचा, जहां बस स्टैंड में कटघोरा साइकिलिंग टीम द्वारा आफताब फरीद का भव्य स्वागत किया गया। कहते हैं दिल में देशभक्ति का जज्बा हो तो इंसान बड़े से बड़े लक्ष्य को आसानी से भेद सकता है। इसी देशभक्ति के जज्बे को लेकर दिल्ली से निकला आफताब फरीद पूरे देश का भ्रमण कर वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में हमारे सैनिकों को सम्मान देना चाहता है। हमारे देश की सरहद में तैनात सैनिकों को सब अपने अपने तरीके से सम्मान देना चाहते हैं, मगर भारतीय सैनिकों को सम्मान देने के लिए यह लड़का दिल्ली से साइकिलिंग करते हुए भारत देश का भ्रमण कर रहा है। आफताब फरीद नाम का यह लड़का 24 वर्ष का है और देशभक्ति का जज्बा लिए यह नौजवान 26 अगस्त 2018 यानी रक्षाबंधन के दिन से साइकिल में भारत देश का भ्रमण करने निकला है। उसके द्वारा अभी तक 16 राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए कुल 14,500 किलोमीटर का सफर पूरा कर लिया गया है और वह अपने दौरे के 152वें दिन कटघोरा पहुंचा, जहां नगरवासी एवं कटघोरा साइकिलिंग टीम द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इंडियन आर्मी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, पूरा ऑल इंडिया घूम चुके हैं, तो कटघोरा का छोटा सा मुहिम ये जूनियर साइकिलिंग टीम नेहा जायसवाल और मैं गौतम दुबे ये भाई के स्वागत के लिए ये इंडिया के लिए कुछ कर रहे हैं, तो हम इसके लिए भी छोटा सा मुहिम कर रहे हैं। मैंने ज़िंदगी बचाने के लिए बहुत से ऐसे काम किए हैं जो सुनते हैं बुरा तो लगेगा, पर जीने के लिए वो करना पड़ेगा। कभी कभी घास भी खाने पड़ी है, तो कभी कूड़ेदान से भी खाना निकाल के खाना पड़ा है। सो वो कहते हैं ना कि अगर आपके सपने पूरे करने हैं तो आपको किसी भी हद तक निकलना पड़ेगा। सो मैं अपने देश के जवान के लिए, अपने देश के लिए किसी हद के लिए भी गुजर सकता हूँ। इसके लिए कुछ कहना चाहते हैं? मैं अपने देश के सभी जवानों को यही एक मैसेज देना चाहता हूँ, प्लीज़ सोशल मीडिया पे अपना टाइम ना वेस्ट करके कुछ कर दिखाएं, कुछ ऐसा कर दिखाएं कि लोग करना चाहें आपके जैसा। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उनके लिए रात छोटी होती है, और जिन्हें सपने सच करना अच्छा होता है उनके लिए दिन और रात दोनों छोटी होती है। वो ये सब मेरे देश के जवान के लिए कुर्बान है। जय हिंद। आफताब की माने तो उसका लक्ष्य 30,000 किलोमीटर साइकिलिंग करने का है और ऑस्ट्रेलिया के बैंजिंग हेडन का 18,222 किलोमीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है। और इस उपलब्धि को आफताब देश के सरहद पर तैनात सैनिकों के नाम करना चाहते हैं। आफताब बताते हैं कि अब तक वे 16 राज्यों की सभी 300 थानों में पुलिस वेरिफिकेशन कराते हुए 4,000 पुलिस कर्मियों से मुलाकात कर उनके थाना क्षेत्रों की स्थिति जानने का प्रयास किया। हमारे देश के सैनिक जो सरहद पर हमारी सुरक्षा के लिए अपना सुख चैन को त्याग कर क्या सर्दी क्या गर्मी क्या बरसात सभी मौसम में चट्टान की तरह खड़े रहते हैं, आफताब का यह सपना है कि साइकिलिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में हमारे इन्हीं सैनिकों को सम्मान देना है। आफताब द्वारा देश हित में किया जा रहा यह कार्य सराहनीय और सम्माननीय है। इस देशभक्त के देश प्रेम और जज्बे को आरजे रमझाझर भी सलाम करता है। कोरबा से शशिकांत डिकसेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।